उनको समय समय पर क्लास लेना चाहिए ताकि एक शैक्षणिक वातावरण पैदा हो। मान लीजिए कलेक्टर साहब क्लास लेंगे, कमिश्नर साहब क्लास लेंगे, अन्य पदाधिकारी क्लास लेंगे, शिक्षकों में भी सही ढंग से पढ़ाने की संचेतना जागृत होगी। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए हैं। बता दें, सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड स्थित नदीपत उच्च विद्यालय में उपसभापति रामचंद्र पूर्वे स्कूली छात्र छात्राओं के बीच शिक्षक के रूप में तालीम बांटते दिखे। इस दौरान उन्होंने करीब एक घंटे तक क्लासरूम में स्किल डेवलपमेंट से लेकर कई विषयों पर प्रकाश डाला और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। आपको बता दें कि दरअसल रामचंद्र पूर्वे बिहार विधान परिषद के उपसभापति बनने के बाद एक अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए सीतामढ़ी पहुंचे थे। इसी दौरान वो सोनबरसा स्थित नंदीपत उच्च विद्यालय में पहुंचे थे। स्कूल में पहुंचने के बाद वहां के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने पूर्वे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। इसी बीच उपसभापति क्लासरूम में पहुंच गए और एक शिक्षक की तरह क्लास में मौजूद बच्चों को शिक्षा के महत्व बताने लगे। बता दें कि उपसभापति रामचंद्र पूर्वे राजनीति में आने से पहले कॉलेज के लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 1968 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में गणित विषय के लेक्चरर के रूप में उन्होंने सेवा की शुरुआत की थी। बाद में वे राजनीति में आए और आरजेडी से जुड़कर राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वहीं बिहार में सरकार बदलने के बाद रामचंद्र पूर्वे विधान परिषद के उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद अब रामचंद्र पूर्वे की बड़ी ही अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां वो स्कूल के छात्रों को तालीम बांटते नजर आए हैं। उनको समय समय पर क्लास लेना चाहिए ताकि एक शैक्षणिक वातावरण पैदा हो। आपको जानकर के हैरत होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो उनका ओपन क्लास होता था और ओपन क्लास में पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के शिक्षक और अन्य लोग सम्मिलित होते थे। तो आज मान लीजिए कलेक्टर साहब क्लास लेंगे, कमिश्नर साहब क्लास लेंगे, अन्य पदाधिकारी क्लास लेंगे, तो एक शिक्षकों में भी सही ढंग से पढ़ाने की संचेतना जागृत होगी। और अब मैं जब मुझे यह जवाबदेही दे गई है उप सभापति बिहार विधान परिषद का, तो जहां कहीं भी मैं जाऊंगा किसी कार्यक्रम में तो स्टार्ट पहले हम वहां शिक्षक के रूप में क्लास लेने के बाद ही उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे। ऐसे मेरे मन में विचार है, अब देखते हैं यह विचार कहाँ तक सफल होता है। और आप लोगों को भी अच्छा लगा, समझ में आया जी? हाँ, क्या क्या पढ़ा है, विषय के बारे में बताया, किस तरह से सफल होना है, आगे चल के क्या करना है, ये सब के बारे में बताया। अच्छा, पढ़ाई में क्या खास क्या बात क्या है कि आगे चल के मतलब बच्चे को किस तरह का क्या करना चाहिए, इस बारे में बताया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? माही सिंह।